सो हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। वर्ल्ड कप 2019 के लिए फाइनली बीसीसीआई ने 15 मैन का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। जो भारतीय टीम का स्क्वाड है वो वर्ल्ड कप के लिए अब अनाउंस हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, देखते हैं यार कि कौन से 15 खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड जा रहे हैं और किस किस पोजीशन के लिए किस खिलाड़ियों को रखा गया है, और साथ ही में 4 एक्स्ट्रा खिलाड़ी कौन है और कौन कौन मिस आउट हुआ है, सब कुछ बात करेंगे। सो हियर वी गो, smash that subscribe button and the notification bell to get notified about every cricket update. सो गाइस, सबसे पहले ना यार भाई स्क्वाड के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो स्क्वाड है 15 मैन की उनके बारे में बात करते हैं। तो जो बैट्समैन है उसमें आएंगे यार कप्तान विराट कोहली, फिर आएंगे वाइस कप्तान रोहित शर्मा, शिखर धवन है, फिर इसके बाद केएल राहुल एक बड़ा नाम है जो स्क्वाड में आया है, केएल राहुल को स्क्वाड में रखा गया है। तो ये 4 बैट्समैन हैं। इसके बाद चलते हैं विकेट कीपिंग की तरफ। तो विकेट कीपर में है MS धोनी जो प्राइमरी विकेट कीपर रहने वाले हैं, और जो बैकअप विकेट कीपर रहने वाले हैं वो है दिनेश कार्तिक। इसके बाद बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो इस बार थोड़े से 4 ऑलराउंडर ले जा रही है इंडियन टीम। उसमें आते हैं यार भाई हार्दिक पांड्या, आते हैं केदार जाधव, विजय शंकर का नाम है उसमें, और सर रविंद्र जाडेजा का भी नाम आया है उसमें। और आखिरी में यार बढ़ते हैं 5 बॉलर्स की तरफ। तो 2 हैं आपके स्पिन ट्विंस जो है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, और फिर आते हैं आपके 3 पेसर्स जो है मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद शमी के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करने के लिए। तो यार ये तो थी यार पूरी 15 मैन की वर्ल्ड कप स्क्वाड। अब बढ़ते हैं यार भाई किस खिलाड़ी को आखिरकार किस चीज के लिए रखा गया है। तो जो केएल राहुल है वो नंबर 4 या नंबर 3 पे नहीं खेलने वाले हैं, वो एज अ बैकअप ओपनर रखने वाले हैं, बैकअप ओपनर रहने वाले इंडियन टीम में। एमएसके प्रसाद ने पूरा क्लियरली बोल दिया है कि केएल राहुल को सिर्फ एक बैकअप ओपनर की तरफ ही देखेंगे हम, बैकअप ओपनर के रूप में देखने वाले हैं। अगर शिखर धवन या रोहित शर्मा दोनों में से कोई भी एक इंजर्ड हो जाता है या दोनों कोई भी बुरे फॉर्म से जूझ रहे होंगे तो केएल राहुल को एज अ बैकअप ओपनर खिलाने वाले हैं। इसके बाद बढ़ते हैं यार कि रविंद्र जाडेजा का क्या रोल है। तो रविंद्र जाडेजा भी बैकअप के रूप में ही खेलने वाले हैं। आपके पास केदार जाधव है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, तो ये 2 ऑलराउंडर खेलने वाले हैं, और विजय शंकर है, विजय शंकर खेलने वाले हैं। तो रविंद्र जाडेजा का नाम नहीं आएगा, रविंद्र जाडेजा बाद में जाके खेलेंगे। और आखिरी में बात आती है नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे विजय शंकर खेलने वाले हैं। जी यार गाइस, ये पूरी जो है ऑफिशियल न्यूज़ है, विजय शंकर ही खेलने वाले हैं। MSK प्रसाद ने ये पूरा जो है वो स्टेटमेंट दिया है कि विजय शंकर ही 2 डाउन खेलने वाले हैं, विजय शंकर ही 4 नंबर पे बैटिंग करने वाले हैं। तो अब इसके बाद यार बात आती है एक्स्ट्रास में, जो 4 एक्स्ट्रास हैं वो कौन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार भाई नाम आता है केएल राहुल का, क्योंकि वो बैकअप ओपनर है, तो केएल राहुल रहने वाले हैं जो 4 बेंच पे बैठेंगे। इसके बाद नाम आएगा दिनेश कार्तिक का, दिनेश कार्तिक एज अ बैकअप विकेट कीपर खेल रहे हैं, तो दिनेश कार्तिक नहीं खेलने वाले हैं, MS धोनी खेलेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे। तो ये 2 तो है जो बेंच पे बैठे रहेंगे। इसके बाद आएंगे रविंद्र जाडेजा भी नहीं खेलने वाले हैं, और जो चौथा बंदा है यार वो कोई एक बॉलर होने वाला है। या तो आप तीनों में से किसी एक पेसर को बिठा लो, भुवनेश्वर कुमार को आप बिठाओगे नहीं, आप जसप्रीत बुमराह को नहीं बिठाओगे, तो मोहम्मद शमी को आपको बिठाना पड़ेगा, या फिर अगर आप मोहम्मद शमी को खिलाते हो तो आपको किसी एक ऑलराउंडर को बाहर करना, किसी एक स्पिन को बाहर करना पड़ेगा, सॉरी यार गाइस, किसी एक स्पिन को बाहर करना पड़ेगा जो है कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल, दोनों में से किसी एक को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, नहीं तो आप इनमें से नहीं बिठाते हो, स्पिन को नहीं बैठाते हो तो सीमर्स को बैठाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा टॉसअप रहने वाला है, यहाँ युजवेंद्र चहल को लग रहा है, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद शमी दोनों के बीच में टॉसअप रहने वाला है, पिच कंडीशंस को देख के कि किसके साथ मैच है, कैसा क्या अपोनेंट है उसको देख के यार थोड़ा सा इंडियन टीम प्लेइंग 11 में टॉसअप करने वाली है। प्लेइंग 11 अगले वीडियो में बात करते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अच्छे से बनाएंगे, तो प्लेइंग 11 के बारे में बाद में बात करेंगे। और हाँ यार गाइस, ऋषभ पंत का जो नाम है वो नहीं आया है, तो ये एक थोड़ा सा यार टॉसअप ऑप्शन था। अगर आप ऋषभ पंत को खिलाते हो तो वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी एक प्रदान करते हैं, हालांकि एक्सपीरियंस कम है दिनेश का ऋषभ पंत को, पर फिर भी यार ऋषभ पंत अच्छा ऑप्शन थे, ऋषभ पंत नेक्स्ट वर्ल्ड कप में बिल्कुल से खेल लेंगे। और अंबाती रायडू के ऊपर जो बात चल रही थी, तो अंबाती रायडू की जगह आपने केएल राहुल को खिलाया है। अंबाती रायडू का रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही रहा है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं करा है, पर फिर भी केएल राहुल बहुत अच्छे फॉर्म में है, और केएल राहुल को यार एज अ बैकअप ओपनर बिल्कुल मत देखो यार। केएल राहुल का अभी जो
फॉर्म चल रहा है वो बिल्कुल टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, आईपीएल में 100 भी जड़ी है उन्होंने। तो अगर आप केएल राहुल को खिला सकते हो तो बिल्कुल से खिलाओ, पर बाहर किसको करोगे वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, यही थी पूरी 15 मैन की वर्ल्ड कप स्क्वाड। आपको क्या लगता है यार कि इस पूरी जो 15 मैन की स्क्वाड अनाउंस हुई है इसमें से एक बंदा जो डिजर्व नहीं करता था स्क्वाड में, उसका नाम मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। और आपको क्या लगता है इंडिया जीतेगी कि नहीं वर्ल्ड कप, ये भी बताना। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।